हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सट्रॉइट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का, और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है, और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाए, बट बोलने के फ्लो में मैं कई बार अंग्रेजी में भी स्विच कर जाता हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम, बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां कोर्ट अटेंड डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता, या तो जज एब्सेंट होती हैं, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब, अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो, हरास होते हो और वापस आते हो। तो ये हो गई कुछ बातें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पर कितने सारे केसेस डाले गए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं। तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में, एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है ज्यूरिस्डिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं, और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में।
ठीक 3 महीने बाद इस केस को वापस भी ले लिया गया। आप अगर अंदाजा लगा पाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है, अगर ऐसी धाराएं लगें तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को भी अलाउड है कि कुछ भी केस डाल दे कभी भी और कभी भी वापस ले लो। अब अगर बात करें धाराओं की तो 302 मर्डर मेरे मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि हमने मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में, और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई, जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। अब ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने सीआरपीसी 125, जो कि दूसरा केस है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। ये उन्होंने 2023 दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे, एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी में। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में शादी के बाद। और ये केस जो हम पर, और उनकी मृत्यु ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाने से हुई थी। ये केस हम पर, मृत्यु 2019 अगस्त में हुई है, ये केस हम पर 2022 में लगा है। मई 2021 तक मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, तकरीबन पौने 2 साल पिता की मृत्यु के बाद भी, और यहां से जाने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने ये केस डाला 2022 में, तकरीबन 2.5 साल बाद पिता की मृत्यु के। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या था। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377, जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है, हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें कि ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊंगा तो यह है कि मेरी पत्नी 4 4 5 5 दिन तक नहाती नहीं थी, तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के द्वार को चाटूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूं। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को आज के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा 498 ये धारा तो काफी पॉपुलर है, न जाने कितने लाखों परिवारों और करोड़ों आदमियों को बर्बाद किया इसने पिछले 40 सालों में। कितने लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान ले ली, फिर भी ये आज भी है। इसके अलावा वही दहेज 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट, धमकी देना इत्यादि। ये पहला केस तो वापस ले लिया उसने। दूसरा केस जो हम पे डाला उसने सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए, ये जज रीता कौशिक के कोर्ट में दाखिल हुआ था और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मेंटेनेंस केस में मेरी पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी, 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए।
तीसरा जो केस डाला वो HMA हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स का केस डाला, ये भी रीता कौशिक के कोर्ट में था। ये केस उन्होंने 6 महीने बाद लड़ने के बाद एक एप्लीकेशन डाला वापस लेने के लिए। इसमें इन्होंने रीजन बताया कि इनके वकील ने इन्हें गुमराह करके ये केस डाल दिया, इन्हें पता ही नहीं था कि ये केस कोर्ट में डाला है। यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि मेरी पत्नी एक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, MBA इन फाइनेंस, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में AI इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पे काम करती है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरी पत्नी के सिग्नेचर्स हैं। जो कोर्ट डेट 6 महीने लगे उनमें ये आती रही, वहां पर भी इनके सिग्नेचर्स हैं। और उस बीच दौरान इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, इतने रिप्लाई सबमिट हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे वो मौजूद थी। इसमें हमने सेक्शन 26 के अंतर्गत मैंने अपने बच्चे से मिलने का भी आवेदन दिया, जिस पे ऑब्वियसली कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और इस केस को 2022 में वापस लेने के लिए एप्लीकेशन डाला था मेरी पत्नी ने, लेकिन रीता कौशिक ने इसे 2022 में ही खारिज नहीं किया। 2024 तक ये केस फिर भी चलता रहा और 2024 में इसका जजमेंट दिया डेट साथ। अब बात करेंगे, और इसके बाद कोर्ट का समय बर्बाद करना, मैंने अपने वकीलों पे इतना खर्च किया, आने जाने में इतना खर्च किया, कोऑर्डिनेशन में इतनी माथापच्ची हुई, लेकिन इस पर इन्हें इनका कोई जुर्माना तक नहीं लगा, इन्हें डांट तक नहीं पड़ी जज से। तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, मेरे मेरे माता पिता और भाई के अगेंस्ट, DV एक्ट सेक्शन 12 के अंदर डालने के तकरीबन 2022 में इन्होंने ये केस डाला। और तकरीबन 2 साल तक ना ये मेरी पत्नी ना उनका वकील इस केस की पैरवी करने के लिए कोर्ट में आए। और ये केस 2024 में कुछ महीने पहले खारिज हुआ, ये मुझे ई कोर्ट एप्लीकेशन से पता चला। पांचवा केस फिर से खारिज होने के बाद, 2 साल समय बर्बाद करने के बाद कोर्ट का, फिर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस फ्रेश इन्होंने फिर से दाखिल किया अभी सितंबर 2024 में। तो ये 5 केसेस हो गए। छठा केस, जो पहला केस इन्होंने वापस लिया था, अब वापस से नॉर्मल FIR के थ्रू फिर से दाखिल किया, जिसके अंदर अब की धाराएं हैं IPC के अंदर 498A, 323, 504, 506 डाउरी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर धारा 3/4 में दहेज लेने के लिए। तो ये धाराएं डालकर फिर से केस डाल दिया। ये 5 केसेस, 6 केसेस जो है वो लोअर कोर्ट में डाले। सातवां केस जो हाई कोर्ट में डाला वो CRPC 125 के केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए डाला। हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी मिल गया कि 6 महीने में CRPC 125 का केस कंप्लीट किया जाए। ये केस डालने का आशय ये था कि मुझे और हरास किया जाए। इस डायरेक्शन को मिलने के बाद, अब चूंकि मुझे बैंगलोर से आना जाना पड़ता है, ये रीता कौशिक को पता है, फिर भी 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐसे स्पीड से डेट्स लगने शुरू हो गए। तो रीता कौशिक ने पूरा सहयोग किया मुझे हरास करने के लिए, क्यों इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आठवां केस इसी तर्ज पर हाई कोर्ट में डाला गया कि 498 के एक एक केस को भी फास्ट ट्रैक किया जाए। फिर से हाई कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दे दिया कि 1 साल के अंदर 498 एक एक केस को खत्म किया जाए। ये डायरेक्शन उन्हें जनवरी 2024 में ही मिल गया। बट ट्विस्ट इसमें यह है कि इन्होंने इसका इस्तेमाल जनवरी 2024 में नहीं किया, तकरीबन 8 से 9 महीने बाद, जहां की 1 साल में ही केस खत्म करने का डायरेक्शन है, 8 से 9 महीने बाद उन्होंने लोअर कोर्ट में सितंबर 2024 में ये एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में डाला। इसका कारण यह था कि मुझे और भी ज्यादा हरास किया जाए, पहले एक केस को फास्ट किया जाए। अगर दो केसेस फास्ट चल रहे हैं साथ साथ, तो आप एक ही डेट को दो केस अटेंड कर सकते हो। तो पहले एक केस को फास्ट करेंगे, वो खत्म होगा तब जाके दूसरे को फास्ट करा जाएगा, ताकि आप हमेशा ही इस फास्ट डेट्स को अटेंड करते रहें, हरास होते रहें। अगर ये कानून का दुरुपयोग नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है कानून का दुरुपयोग। ये 8 केसेस हो गए। जो नौवां केस मुझे आखिरी पता है कि CRPC 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहां पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपये प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है, 40,000 रुपये मेंटेनेंस सिर्फ बच्चे के लिए, जब वो 2 साल की उम्र का था, तब से, उससे भी कुछ कम, तब से मुझे 40,000 रुपये प्रति माह सिर्फ बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है, जौनपुर जैसी जगह पे है, ये दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई की बात नहीं हो रही है। और 40,000 रुपये तब से जो अरियर बन गया मेरा, अब उसके अगेंस्ट, तो 80,000 रुपये मुझे हर महीने अपने बच्चे के सिर्फ मेंटेनेंस के लिए देना है। मैंने कोर्ट में सक्सेसफुली ये प्रूफ कर दिया, हालांकि मेरी वाइफ ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने प्रूफ कर दिया कि वो कमा रही है, अच्छे पद पर है,
तो उसे मेंटेनेंस तो ना दे पाई मेरी कौशिक जज, लेकिन उसके बदले बच्चे के थ्रू उसे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए उसे दे दिया। अब आप ये भी समझना चाहिए आपको कि ये मेंटेनेंस जो होता है ये एलिमनी से अलग होता है। एलिमनी जो होता है वो है वो अलग होता है, मतलब आखिरी में आपको बड़ा सा अमाउंट मिलता है, ये सिर्फ मेंटेनेंस की बात हो रही है। मेरी पत्नी के लिए ये 80,000 रुपये प्रति महीने का जो ऑर्डर पास हुआ है ये भी कम है, तो अभी वो हाई कोर्ट में गई है कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, और अब वो हाई कोर्ट में जाके इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए। तो ये था नोवा केस हाई कोर्ट में जो अभी चल रहा है। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है इलाहाबाद में, ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे, CRP 125 के, ज्यूरिसडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार, कोर्ट को उस क्षेत्र के कोर्ट को अधिकार ही नहीं है ये केस चलाने का। और ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एज पर CRPC 126 इन कंटिन्यूएशन टू CRPC 125, अ वाइफ कैन ओनली फाइल अ केस फ्रॉम द प्लेस इफ शी हैज गॉटन मैरिड देयर। तो जौनपुर वाज नॉट द प्लेस वी गॉट मैरिड। दूसरा, वेयर हर मैट्रिमोनियल होम वॉज, सो बैंगलोर वॉज द मैट्रिमोनियल होम, जौनपुर वॉज नॉट। तीसरा, वेयर शी लास्ट रिजाइडेड विद द हस्बैंड, सो बैंगलोर वॉज द लास्ट प्लेस वेयर वी लास्ट रिजाइडेड, नॉट जौनपुर, दिस इज एज पर द लॉ। अगर मैं ये मान भी लूं कि औरत को थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए कि वो अभी जहां रह रही है वहां से कोर्ट फाइल केस फाइल करे, तो मेरी पत्नी जब केस फाइल हो रहा था या हुआ उस दौरान जौनपुर में नहीं रहती थी, वो लखनऊ में रहती थी। ये उसने अपने CRPC 125 के क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कबूल किया, और हमने इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए। जो मैं मनी ऑर्डर भेजता था वो उस एड्रेस से वापस आ रहा था, जो बच्चे का बैंक अकाउंट खुलाया गया था वो लखनऊ में खुलवाया गया था, उसने खुद एक्सेप्ट किया और लखनऊ में रहती थी। सवाल ये भी उठता है कि एक शादीशुदा औरत जो बोल रही है कि लखनऊ में उसके कोई रिलेटिव भी नहीं रहते हैं, तो वो क्यों अकेले लखनऊ में रहती है, रह रही थी, आखिर क्या कारण था, क्यों अपने घर पे नहीं रह रही थी। हालांकि बहरहाल वो लखनऊ में उस समय रह रही थी, बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन 2024 जब हुआ तब उसने कहा कि अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। तो आखिर जौनपुर से केस करने का क्या औचित्य है, ये समझ पाना मुश्किल है। चमत्कार यह है कि हाई कोर्ट में जब मैंने, और ये मैंने रीता कौशिक के कोर्ट में सबसे पहले डाला था जो कि उसने खारिज कर दिया, तो अब हाई कोर्ट में चमत्कार यह है कि ज्यादातर जज जिनके सामने ये कोर्ट में केस लिस्ट होता है उनका कहना है कि आप अपना मेंटेनेंस देते रहें, हम ये रिजेक्ट कर देंगे। तो वकील हमारे बेचारे हाथ पैर जोड़कर नेक्स्ट डेट लेते हैं कि नेक्स्ट जज कोई सुन ले कुछ। जो जज ये बोलता है कि हम सुनेंगे तो शायद, लेकिन सबसे पहले मीडिएशन कराओ। मीडिएशन के लिए पत्नी को पहले 50,000 रुपये दो इस बात की कि वो जौनपुर से इलाहाबाद आ पाए। जौनपुर से इलाहाबाद की दूरी 2 घंटे है बस से, तो तकरीबन 3-4 बार मीडिएशन होगा। इसके लिए मुझे बैंगलोर से इलाहाबाद जाना है, मेरी पत्नी वो पास में ही रहती है, तो उसको पहले 50,000 रुपये दूंगा। ऐसे 3 बार मीडिएशन पहले हो चुके हैं जो कि फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी पहले मीडिएशन होगा, तब जाके वो सुनेंगे, मेरिट पे नहीं सुनेंगे। हमारे वकील फिर से हाथ पैर जोड़कर अगली अगली डेट ले रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है अब। और ये केस का फैसला तो आ भी चुका है CRP 125 का, और वो जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन अभी चलेगा। तो टोटल 10 केसेस हो गए। अब मैं कवर करना चाहूंगा कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट का भी, कि किस तरह के पैसे का डिमांड हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि CRPC 125 धारा के अंदर 2 लाख रुपए के मेंटेनेंस का डिमांड है, ये तो सुना ही होगा आपने। इसके अलावा और भी धाराएं हैं, जैसे DV के अंदर उन्होंने क्या डिमांड किया मैंने देखा नहीं। उसके अलावा जब ये केस नहीं डाले थे और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ रुपए दो नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ कहीं गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफी गलत था। तो 1 करोड़ की डिमांड तब थी। शुरू में कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली की। जब मैं जज रीता कौशिक ने इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ होगी। अब तो 80,000 रुपये पर प्रति माह का, और एक फेवरेबल जजमेंट रीता कौशिक द्वारा दिया गया है इन्हें, तो अब ये 3 करोड़ रुपए कहाँ कितने रुपयों में तब्दील होगा मुझे नहीं पता। तो ये 2 लाख रुपए इन्हें जौनपुर जैसी जगह पर मेंटेनेंस चाहिए है ना, और 3-3 करोड़ रुपए तो अभी तो पहुंच गया पता नहीं। तो ये पैसों का मामला, इस तरह के पैसों का मामला है।
और जब तक हम देंगे नहीं तब तक हरास करते रहेंगे। अब कहानी में बताऊं कि अगर मैं कोर्ट का ऑर्डर मान भी लूं 80,000 रुपया प्रति माह देने का, मान लो, तो इससे थोड़े दिन बाद ये फिर से केस डाल सकते हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस का। हर 3 या 6 महीने में एक पत्नी कोर्ट में फिर से डाल सकती है केस, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस का, कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्च बढ़ गया है। और चूंकि आप 80,000 आप दे रहे हो, 40,000 रुपये मेंटेनेंस लगा हुआ है अभी, और 40,000 रुपये जो है आप अरियर्स के दे रहे हो, तो आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपकी हैसियत 80,000 देने की है, तो कंप्लाई करोगे ऑर्डर आप, तो 80,000 रुपये आपने प्रूव कर दिया, आपका मेंटेनेंस 80,000 हो जाएगा और फिर से कुछ अरियर लगेगा और फिर ये अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये तब तक चलता रहेगा, या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। तो ये रास्ता बचता है। इसके अलावा भी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिविजन के लिए भी जा सकते हैं हर केस के लिए। तो कई सारे रास्ते हैं, तो पैसों का मामला होगा। अब बात करेंगे हर किरदार की। तो सबसे पहले बात करते हैं जज रीटा कौशिक की, जो जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज हैं। तो रीता कौशिक जज जो हैं, ये सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, करप्ट ही नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है, जिन्हें अपना काम नहीं आता, और ईवल जज हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है। ये जज की ठीक बगल में बैठता है वहीं पर। और ये जो माधव है, ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 50 रुपए लेता है ज्यादातर लोगों से, बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक होती है नेक्स्ट डेट देने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट डेट्स मिलते हैं, इसमें अगर हमने लंबी डेट मांगी कि हमें बार बार आना जाना पड़ता है, या फिर हमने शनिवार की डेट मान ली कि उस दिन हमारी छुट्टी होती है और हम कोर्ट डेट अटेंड करेंगे तो हमारा 1 दिन बच जाएगा, ऐसी चीजों के लिए उसे 500 से 1,000 रुपये चाहिए। आप गिड़गिड़ाएं वहां पर, और ये भी ये आराम से नहीं देंगे, आपके साथ मस्ती करके देंगे। इनका ऑफन एक्सप्रेशन होता है कि आपको हम बुधवार ही दे पाएंगे, शनिवार तो नहीं हो पाएगा, या फिर इतनी लंबी डेट नहीं, हम 7 दिन में, 15 दिन में ही देंगे, 2 दिन में ही देंगे। आप इनसे सर सर करके काफी गिड़गिड़ाओगे और पैसे दोगे, तब जाकर कहेंगे आपकी बात मान ले। अगर सामने वाले वकील ने या मेरी मदर इन लॉ ने वहां पर अगर बोल दिया डेट, तो फिर वो आप पैसे देने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे, आप और हरास होंगे। तो ये कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने ही पैसे लेता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जौनपुर कोर्ट में ये बड़ी सार्वजनिक सी बात है कि ये जो रीता कौशिक जज हैं और इनके पति जो हैं, वो भी जहां तक मेरी जानकारी है जौनपुर कोर्ट में हैं या थे, ये दोनों ही घूस लेकर जजमेंट देते हैं। ये एक आम सार्वजनिक बात आप सुन सकते हैं जौनपुर कोर्ट में। अब इनके पति के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उनके इसमें नहीं गया, और मैं उन पर ये इल्जाम अभी नहीं लगाना चाहूंगा बिना किसी जानकारी के। लेकिन रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे, क्यों मैं सुसाइड कर रहा हूं, कैसे एक्सप्लिसिट इंस्टिगेशन ऑफ सुसाइड हुआ, जज के सामने हुआ, जज का इम्प्लिसिट अप्रूवल है उसे इसके लिए। तो मैं डेट्स के साथ ही बताना चाहूंगा काफी सारा प्रूफ, को जो कोई अगर टेम्परिंग करने की कोशिश करेगा डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे पास सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ और फाइल के साथ कोई छेड़खानी ना करें, मेरा यही सजेशन है, नहीं तो ये तो और भी अपराध होगा। तो 21 मार्च 2024 को मेरा क्रॉस होने के पहले, लंच लंच के बाद सेकेंड हाफ में क्रॉस होता है जनरली जौनपुर कोर्ट में, रीता कौशिक के कोर्ट में। तो मैं जाकर बैठा था लंच के टाइम पे, उसके बाद क्रॉस होना था मेरा। मुझे जब मैं गया कोर्ट में तो अंदर बुलाया गया, अंदर बुलाया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पहले से ही अंदर है, और जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर देते हैं। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद इन पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती हैं टीचर, बट और भी शॉक होना था मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम, ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं, ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्जाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है,
अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं, यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं। और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है, तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा देती, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में, नहीं तो जीवन भर इसी कोर्ट के इन्हीं कोर्ट के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटते रहेगी और काटते रहोगे। ये सुनने के बाद तो मैं मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जज ओपनली मुझसे घूस मांग रही है डायरेक्टली। मैंने कहा मैम आप हमारा जजमेंट मेरिट पे दो, मेरे पास हमारा क्रॉस इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जिसमें इतनी सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन अब खत्म होने वाला है, एविडेंसेस हैं मेरे पास इतने, है ना। तो जज बोली कि ठीक है हम तुम्हारा केस जो है मेरिट पे ही लड़ेंगे, देख लो जाओ। मैं बाहर आया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और फिर मैं वापस आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैंने कई लोगों से पूछा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये 2024 का जो डेट बताया, ये पहली बार मुझसे घूस नहीं मांगा गया था। जब ये शुरू शुरू में जज आई थी तब पेशकार ने मुझे अपना नंबर दिया था और मुझे कॉल करने को बोला था कि आप इतनी दूर से आते हो तो आपका आपको इतनी परेशानी होती है, हम कोशिश करेंगे कि आपका आपको इतना दौड़ना नहीं पड़े। मैंने उसको फोन किया तो उसने पेशकार माधव ने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे, कहा कि हम जज से बात कर लेंगे और हम आपका केस सेटल करा देंगे। ये 2022 में जब एक शुरू शुरू में जज आई थी तब मुझे पेशकार भी मांगे थे, तब मेरा मानना था कि शायद ये पेशकार खुद पैसे खाने के चक्कर में है और ये मुझे मेरा पैसा खा जाएगा। तो मैंने उसे भी कहा था कि नहीं हमारे पास बहुत एविडेंस है, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है देने को, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अब मैं अगर वापस जोड़ने की कोशिश करूं तार, तो मुझे लगता है कि तब भी जज का ही हाथ था, क्योंकि उस कॉल के बाद जब मैं गया तो जज ने का बिहेवियर ये था कि मैं तुरंत अब इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करूंगी। तब हमने जुरिसडिक्शन का एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एप्लीकेशन डाला हुआ था, मेरी वाइफ ने जो रजनीश वर्सेस में एफिडेविट होता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने के पहले आपको रजनीश वर्सेस में एफिडेविट का कंप्लायंस करवाना पड़ता है। नियम यह है कि पहले पत्नी को अपना अपनी आय अपना आय का स्रोत और लाइबिलिटीज एसेट्स ये अपनी डिक्लेयर करने पड़ते हैं रजनीश वर्सेस नेहा फॉर्मेट में, फिर हस्बैंड को कुछ हफ्ते टाइम मिलता है और उसे सबमिट करना पड़ता है, तब इंटरिम मेंटेनेंस डालना पड़ता है। उस वाक्य के बाद जब मैंने घूसने से इनकार कर दिया पेशकार को 2022 में, तब जज का ये रवैया था कि, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत डिले कर रहा था, कुछ मार्च अप्रैल में कुछ हमारा फर्स्ट अपियरेंस था, मैं पहले टाइम पहले वालों के बाद ही अपियर हो गया था और कुछ महीनों बाद ही ये वाक्य हुआ है। तो उस समय हमने ऑब्जेक्शन डाला, मेरी पत्नी ने जहां अपना सारा डिटेल भरना है वहां सब कुछ मेरा डिटेल भरा, जैसे कि मेरी आय उसके हिसाब से क्या है, मेरे एसेट उसके हिसाब से क्या है, मेरी फैमिली के एसेट्स उसके हिसाब से क्या है, अपनी जानकारी की जगह मेरी जानकारी भरी, अपनी कोई जानकारी नहीं भरी। उसने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी गलत भरा, जो मैंने बाद में प्रूफ किया कि वो ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट है, बट उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जज ने सिंपल बोला कि मैं तो इंटरिम ऑर्डर पास कर रही हूँ विदाउट कंप्लायंस और कोई मैं हमारे एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की और इंटरिम ऑर्डर पास कर रही। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने तब पैसे नहीं दिए थे है ना, और उसकी वजह से ये रवैया था, सिर्फ हमें 10 दिन का टाइम दिया जो अपना, तो हमने फटाफट फिर अपना इंटरिम मेंटेनेंस के अगेंस्ट एप्लीकेशन दिया, हमने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मेरी वाइफ का रजनी सोशल ने कंप्लायंस नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर में झूठ लिखा कि इनफ अपॉर्चुनिटी दी गई है हमें रजनी सोशल ने फाइल करने के लिए, जबकि वो कुछ ही डेट्स हुए थे, तो ऐसा भी नहीं कि इनफ टाइम मिला था हमें। अब ये हो गई करप्शन की बात है ना, तो यहाँ पे आपको जानने को मिला कि कैसे करप्शन में 50 रुपए से करप्शन शुरू होता है जज के सामने में ही, कैसे पेशकार जज के बिहाफ पे पैसे मांगता है, जज खुद पैसे मांगती है ना, और नहीं देने पर कैसा हरासमेंट करती है, और कैसे जौनपुर में सार्वजनिक बात है ये करप्शन। अभी सिर्फ करप्शन की बात हुई, अब मैं इनकॉम्पिटेंस की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताया कि सारे हमारे खारिज हो गए, रजनी सोर्सेज ने यहाँ कंप्लेन नहीं किया जो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। अब एक कॉमन सेंस है, हर किसी को पता होता है कि एविडेंस जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले सबमिट होता है कुछ भी, तो
तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो सबमिट करो, फिर वो दूसरे वकील के साथ शेयर होता है और उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा कोई वकील ओवर स्मार्ट बन रहा है तो वहीं पे क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त कटघरे में वो डॉक्यूमेंट दिखाता है बंदे को और उसको सरप्राइज करके कुछ क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है, कोर्ट उसे अलाउ कर सकती है, डिसअलाउ कर सकती है ना। लेकिन महान गीता कौशिक कोर्ट के कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विदाउट अ शred ऑफ एविडेंस, एक भी एविडेंस के बिना, और उसके बाद इस क्रॉस एग्जामिनेशन में सारा का सारा पूछ लो, उसके बाद कोई भी एविडेंस जमा कर सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि अब वो एविडेंस जमा हुआ है जो, अब उस पर फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन तो कोई कराएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हरास्ट हो आपने, तो वो एविडेंसेस पे कुछ क्रॉस नहीं होगा, है ना। तो ये इनके तरीके हैं। उसके अलावा जब ये एविडेंस सबमिट हो, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद एविडेंस सबमिट होता है, आदमी का ऑर्डर आना है ना, फाइनल समरी जो भी बहस होगी वकीलों की, और उसके बाद ऑर्डर आना है। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा डेट है। 22 अप्रैल 2024 को क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वाले डेट पर सेकेंड हाफ में सारा का सारा एविडेंस जमा करना होता है। फर्स्ट हाफ में ही मेरी पत्नी का वकील मेरा रजनीश वर्सेस नेहा का कंप्लायंस निवाइस इसके लिए एप्लीकेशन डालता है और उसमें डिमांड करता है कि मेरी कंपनी में से डिटेल मंगाए जाए मेरी। अब ये मेरी नौकरी के साथ खेल रहा है, मेरे लाइवलीहुड के साथ खेल रहा है। और अभी सबमिट हुआ है एप्लीकेशन और वहीं पर जज ये ऑर्डर दे देती है, मेरे वकील को दो ऑप्शन देती है कि या तो रजनीश वर्सेस नेहा कंप्लाई करो सिर्फ मैं सिलेक्टिवली, और नहीं तो मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देती हूँ। मेरे वकील ने ऑब्जेक्ट किया कि हमारा ऑब्जेक्शन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, लड़की ने नहीं भराया रजनीश वर्सेस नेहा प्रॉपर्ली। जज ने वहीं पर ऑर्डर कर दिया कि गो अहेड, जबकि प्रोसेस ये है कि रिप्लाई फाइल करने का हमें टाइम मिलना चाहिए। रिप्लाई फाइल करने के बाद उसे जो भी डिसाइड करना है वो करेगा, मैं रिप्लाई फाइल करने का भी टाइम नहीं दिया। मैं पहुंचा दौड़ा दौड़ा, जब वकील ने फोन किया सेकेंड हाफ में, हमने वेहिमेंटली इसको अपोज किया, मेरे लॉयर्स ने भी अपोज किया कि ये रिप्लाई फाइल करने का भी आपने टाइम नहीं दिया है ना। जज का कहना है कि तुम्हारे वकील ने बोला कि भाई मैंने बोला, दो ऑप्शन दिए, उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं किया, मैंने ये इस लेवल पे बायस है जज का क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। उस दिन मेरी मदर इन लॉ भी थी और हम वी शाउटेड एट द जज की हमारा जो 2022 का रजनी सोशल नेहा का ऑब्जेक्शन है उस पर कोई तुमने काम नहीं किया। तो ओपनली जज बोलती है कि मुझे उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या ये लॉ सिर्फ हस्बैंड के लिए है या दोनों के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए। तो उसने ओपनली कोर्ट में बोला कि सिर्फ हस्बैंड के लिए, जो करना कर लो। तो जो पहले हमें पता था कि सिर्फ बायस होता है और दिखता ही है बस, लेकिन अब ये बोल भी रहे हैं ओपनली कि हम जो करना है मन में आएगा हम करेंगे। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी तो वो हंस रही थी। उसने जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया पिछली बार, तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस बार आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला, और मैं बस जो भी एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकता हुआ निकल सकता है, क्योंकि हम तो भाई लॉ अबाइडिंग लोग हैं ना, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो पैर पटकता बाहर निकल गया और परेशान होता रहा और काफी सोचा मैंने, और मैंने अब ये समझ में मुझे आया कि शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है कि मैं अपनी जान ले लूं, और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। तो ठीक है, ये स्टेप मैं ले लूंगा। जो मेरे कर्तव्य हैं अपनी फैमिली के, माता पिता भाई के लिए एक्सेट्रा, वो मैं कंप्लीट तब से कर रहा हूँ, और अब आई थिंक अपने सारे काम निपटा चुका हूँ, तो अब मैं अपनी जान ले सकता हूँ, और यही सही रास्ता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे माँ बाप को और भी हरास करते रहेंगे, मेरे भाई को और हरास करते रहेंगे। तो सच्चाई की ये मैं खत्म कर दूँ। तो आपको समझ में आओ कि कैसे करप्ट भी है, इनकॉम्पिटेंट भी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस, लॉज, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स कुछ भी नहीं मानना है, और ये इवन है या नहीं है मैं आपको छोड़ता हूँ जजमेंट। तो ये कहानी थी जज गीता कौशिक जी की। अब बात करता हूँ मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, ब्रदर इन लॉ अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो दया का पात्र भी है। ये तो इसे इसकी माँ और बहन हमेशा से नालायक नकारा ऐसा बोलते रहे। बताऊंगा और क्या क्या इसके बारे में सोचते हैं। जब इसके पिता मरे तो ये वहां पिता के पास भी नहीं था, इसे इसके मामा के यहाँ भेज दिया गया था काम करने के लिए, घर से निकाल के, क्योंकि इसके पिता के साथ इसकी हाथापाई हो गई थी। तो ये आखिरी बार जब पिता से मिला था तो लड़के गया था, और जब वापस आया तो पिता थे नहीं कुछ महीनों बाद, क्योंकि इसके पिता भी इसे नालायक समझते थे और इसे
अपने बिजनेस में कुछ इसके डिसीजंस को नहीं मानते थे क्योंकि तो भरोसा नहीं था उस पर। पता नहीं ये इसके डीमंस इसका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये दया का पात्र भी। और इसमें इसके कहानी में इसके ताऊ या फिर मेरी मेरी पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि 70 साल के ऊपर का एक आदमी जैसे परिवार का मुखिया होना चाहिए अपने छोटे भाई के मरने के बाद, उसका क्या रोल था इस सब में और कैसे मुझे और मेरी फैमिली को इसने भी हरास किया ये भी बताएंगे। तो अब मैं बताऊं कि मेरी शादी 2019 में अप्रैल में हुई थी, मेरी मुलाकात इस फैमिली से शादी .com के थ्रू हुई थी। जनवरी 2019 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट के दौरान और शादी के पहले तक मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी फोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूंकि काफी बातें बातें करने वाला बन रहा हूँ तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है तो शी इज वाइज। बट अच्छा ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियां माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। अप्रैल में हमारी शादी हुई क्योंकि इसके पिता को डॉक्टर ने कम टाइम दिया था। शादी के बाद हम 2 दिन के लिए मेरे माँ बाप के का घर जो बिहार में है वहां पर गए, 2 दिन सिर्फ थे वहां पर, मेरे पास टिकट्स हैं बैंगलोर। उसके बाद कभी बिहार नहीं गए क्योंकि बाद में कोरोना हो गया, बच्चा था पेट में, नौकरी थी बट और कोरोना था तो उसके बाद नहीं जा पाए, है ना। माँ यहाँ आ गई तो सिर्फ 2 दिन रहे मेरे, मेरा भाई सिर्फ 2 दिन वहां पर मिला है इसी पिता से, और इसने अपने सीआरपी 625 के क्रॉस में भी कबूल किया। मेरे भाई पर भी मारपीट दहेज और मर्डर का केस है। मेरे पिताजी जो चलने में उनको दिक्कत होती है, पूजा पाठ करने वाले आदमी भगवान पे बहुत भरोसा, उन्हें 2 दिन वहां पर मिले घर पर शादी के बाद, और 2 दिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो जौनपुर में गए, सिर्फ 4 दिन इससे मिले। उन पर भी मर्डर दहेज मारपीट का इल्जाम है और केसेस हैं। तो ये है ठीक है। अभी यहाँ फिर 2 दिन रहने के बाद बैंगलोर आ गया, फिर हम मॉरिशस गए हनीमून के लिए, जहां पर मुझे पता चला कि ये तो शादी नहीं करना चाहती थी, है ना। और कैसे इनके परिवार वालों ने इसे समझाया कि ताकि तबीयत खराब है तो शादी कर लो, तो उसने शादी कर ली और ये पढ़ी लिखी लड़की है तो पता नहीं मुझे क्यों किया शादी से। मैं तो शॉक था सुन के कि कमाल हो गया, वहां पर भी इनके कारनामे थे मॉरिशस में भी, है ना। और कई बात पर हमारा वहां पर भी लड़ाई हुआ, है ना, जैसे कि सामान खो देना, बस छोड़ देना और हंसना उसके बाद। वापस आए मैं, जो एक हस्बैंड कर सकता है जितना प्यार दे सकता है ना। तो इनको ऑफिस पहुंचाने जाता था 13 किलोमीटर अपने बाइक पर, बैंगलोर में काफी ट्रैफिक होता है, फिर वहां से अपने ऑफिस काम करने आता था, फिर शाम को इनके ऑफिस जाता था लेने के लिए और फिर वहां से वापस आता था। तो डेली तकरीबन 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था, बाइक मोटरसाइकिल चलाता था। और ऐसे करके जो भी मैं कर सकता हूँ किया, फिर थोड़ा थोड़ा इनका नेचर पहले से बदला। फिर ये प्रेग्नेंट हुई, फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई तब और भी थोड़ा सा नेचर ठीक हुआ, फिर इनकी नौकरी चली गई क्योंकि इनका डिसिप्लिन इशू था, वो मेल्स भी है मेरे पास। उसके बाद चीजें बहुत ही गंदी हो गई। उसके बाद इन्होंने घंटों घंटों नौकरी जाने के बाद अपनी माँ से बात करना शुरू किया, इसकी माँ ने इन्हें चीजें समझानी शुरू की। उसके बाद इनके दोस्तों का जो सर्कल है उनसे बात बात दिन भर करती थी, दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। इनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं, लेकिन मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक यू, मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना क्योंकि काम धाम भी करने होते हैं आदमी को, जिंदगी मूवी नहीं। हाँ, अगर जिनको ऐसा लग रहा हो कि हम अपनी पत्नियों से यहाँ पे शहरों में प्रताड़ित करते हैं और काम कराते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई हमारे पास यहाँ काम करने के लिए हाउसमेड होती है, वो अम्मा आती थी काम करने के लिए, कुक होता है ना। फिर जो अम्मा आती हैं ये बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा लगाना, बेडशीट चेंज करना, कपड़े धोना, बाथरूम साफ करना, सारा काम करती है। जो कुक है वो खाना बनाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि डॉक्टर ने आपको हेल्दी खाने को बोला है वो खाना है, डॉक्टर ने आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिव होने को बोला है क्योंकि वो जो नली होती है बच्चे का, बच्चे को जिसे न्यूट्रिशन मिलता है माँ से, उस नली से खून कम जा रहा था ये रिपोर्ट में आया था, और डॉक्टर ने बोला था आपको फिजिकली एक्टिव होना है और हेल्दी खाना है, उसी से वो ठीक होगा। तो हम, मेरी माँ दिसंबर में आ गई थी ख्याल रखने के लिए, सालों बाद हमारे घर में कोई बच्चा होने वाला था। मेरे पापा चल नहीं पाते ठीक से, लेकिन फिर भी
उन्होंने मेरी मम्मी को भेजा कि जाकर ख्याल रखो। मेरी मम्मी आने के बाद सब कुछ और काम जो होता है, पूजा होती है ना, वो सब होने लगा। इनकी माँ का कहना यह था कि अच्छा कोई काम नहीं करना है, यह टहलने के लिए मैं मेरी मम्मी साथ जाने की तैयारी, तभी नहीं जाना, हेल्दी खाना नहीं खाना। मेरी माँ वेजिटेरियन है ना, मैं ज्यादा ही मॉडर्न बन गया था एक वक्त पे। और मेरी माँ के आने के पहले तो घर पे भी अलाउ होता था, मैंने घर पे अलाउ किया था कि चलो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है नॉनवेज खाना तो खाओ। मेरी माँ आने के बाद घर में तो ऑब्वियसली नॉनवेज नहीं बना सकते, तो ये बाहर से नॉनवेज मंगाती थी। तो जैसे चिकन खाया, इनकी आदत है कि डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, थाली में नहीं रखेंगे, वहीं हंडी कोने में फेंक देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ वेजिटेरियन है, तो अगर वो हड्डी ऐसे देखेगी ओपन ऐसे, तो उसे कैसा लगेगा? क्या इससे झगड़ा नहीं होगा? क्या ये करना जरूरी है कि आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते अगर मंगा भी रहे हो तो? कोई भी पूजा पाठ हो रहा है तो मेरी माँ ने जैसे इसे एक साड़ी या कोई एक दो ड्रेस दी है ना, चांदी का सिक्का दे दिया। तो इनकी माँ का कहना था कि बाकी लोगों को छोटी छोटी पूजा में छह छह ड्रेस मिलती हैं, छह छह साड़ियां मिलती हैं और सोने का एक सेट मिलता है, तो हर छोटी पूजा पे इनकी एक्सपेक्टेशन है कि छह छह ड्रेस देंगे और सोने का सेट देंगे हम, है ना। ये इनको सिखाती थी, इन्हें सिखाती थी कि शुरू से जब तक तुम काम नहीं करोगे ना, जब मेरी माँ यहाँ नहीं थी और इनको उल्टियां होती थी, मैंने अपने हाथ से इनका उल्टी साफ किया है ना। जो भी एक हस्बैंड को करना चाहिए, एक प्रेग्नेंट औरत का जो ख्याल रखना चाहिए, जो एक कर सकता है आदमी कर रहा है ना। जो भी बेस्ट मेडिकल केयर हो सकता है, हम पे ये भी इल्जाम है कि हम इनको खाना पीना नहीं देते थे और दवाइयां नहीं देते थे। मेरा जो बेस्ट है बैंगलोर का हॉस्पिटल, वहां मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई, जो दवाइयां, जितनी दवाइयां हो सकती हैं, टेस्ट हो सकता है, क्या तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए हमारी खाली डिलीवरी में पैसा खर्च हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ज्यादातर लोग खर्च कर पाते हैं। जो बेस्ट मेडिकल केयर, बेस्ट फूड हो सकता है, सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी हम पे ये इल्जाम है कि हमने खाना नहीं दिया और इन्हें दवाइयां नहीं दी। इनका जो इनकी मायने क्या बताती थी कि उनके घर पे पूरे खानदान में किससे क्या झगड़ा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा मेरे बेडरूम में एक अपनी प्रेग्नेंट बेटी को बता रहा। क्या एक प्रेग्नेंट लड़की को इतना निगेटिव कुछ जानना चाहिए? प्रेगनेंसी सिर्फ गुड फॉर द चाइल्ड, बट इनकी जो फ्रेंड सर्कल है, इनमें मैक्सिमम लोगों का डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स हो रहा है, होने वाला है, या फिर शादी नहीं करनी, शादी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं करने, तो ये इनका फ्रेंड सर्कल था, है ना। तो ये सब कहानी है मेरी माँ अब यहाँ। उसके बाद फिर बच्चे का जब डिलीवरी हो गया, उसके बाद वो पूजा होती है 1 महीने बाद, तो उसमें इसकी माँ भाई आए। मेरा घर 1 BHK का है, एक बेडरूम और बाहर हॉल और किचन, वहां मेरी माँ सोती थी। तो हमने इनके लिए पास में एक होटल में, ठीक ठाक होटल में, तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए तकरीबन उसका भाड़ा पर डे का था, वहां पर इन्हें रुकवाया। ये लोग जो जौनपुर में इनका घर कबीले के पीछे है ना, इनका पुष्पेंद्र कबीले के पीछे, जिससे इनको शर्म आती है, वो लोग ये होटल में आके, जो कि काफी नाइस है ना, उसमें इनको प्रॉब्लम है कि ये कैसे होटल में हमें ठहरा दिया है और अच्छा होटल क्यों नहीं कराया। हम जो अपने बच्चे को चढ़ा रहे हैं पूजा में, दे रहे हैं खिलौने, गिफ्ट, कपड़े, वो इनके हिसाब से अच्छे नहीं है। जो मेरी मम्मी ने बच्चे के लिए दिया, वो बनवा के लाई थी बच्चे के लिए मेरे घर से, वो सब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है। जो कि आप मेरे यहाँ गेस्ट हो, आपका तो बनता भी नहीं बोलना। मेरी माँ खाना बना रही है यहाँ पे इनके आने के बाद, है ना, और खुद बना के खिला रही है, बाहर से जो मंगा सकते हैं मंगा रहे हैं। उसमें यहाँ पे इनका इल्जाम है कि हम इनको बासी खाना खिलाया है ना, इस बात के लिए लड़ाई की। मेरी माँ बहुत दुखी थी, मैं बहुत दुखी था, लेकिन चलो ये सब हो गया। उसके बाद फिर ये लोग गए, मेरी माँ, मेरी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ यहाँ से। उसके ठीक 2 दिन बाद कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया, फर्स्ट कोरोना का लॉकडाउन। अब उस कोरोना के लॉकडाउन में ना तो बाई आ सकती है काम करने वाली, ना ही कुक आ सकता है। मेरी वाइफ बोल रही है कि बच्चा मुझसे नहीं संभलेगा, समय में मैं नहीं संभाल सकती, मुझे अपनी नौकरी भी करनी है, इनके पास नौकरी नहीं, लेकिन बच्चा नहीं संभाल सकती बोल। अब मैंने किसी तरह से, एक पास में कोई औरत थी जो पास में घर है, तो सुबह सुबह जब कोरोना का सामान वामान खरीदने के लिए खुलता थोड़ा टाइम, तो फिर वो आती यहाँ पर, है ना, सुबह 7-8 बजे, और रात को 8-9 बजे चुपके से जाती थी घर, और हमारा बच्चा संभालने में मदद किया उसने बहुत। तो उस समय बचा, अब उस समय चूंकि कुक नहीं आ रहा है और बाई काम करने वाली नहीं आ रही है, तो इसकी माँ इसे सिखा रही कि अभी जैसा सिस्टम बन जाएगा काम करने का, वैसा ही हमेशा रहेगा। तो ये कोई काम नहीं करती थी, दिन भर ये कोरियन मूवी, माँ से बात करना, सोना, है ना, बस, और कोई काम नहीं करना। तो सुबह मुझे उठ के झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन धोना है ना, बाकी साफ सफाई करनी, बाथरूम धोना है ना, उसके बाद अगर बाई नहीं आ पाई है उस समय तक, तब बच्चे को नहलाने में मदद करना है ना, कपड़े धोने में डालने हैं, सुखाना है ना,
समेट का समेटने का काम ये खुद करती थी, क्योंकि अगर मैंने समेट के ठीक से नहीं रखा, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया कपड़ा, तो फिर उस पर भी महाभारत होती थी। तो ये समेट कपड़े समेटती थी, और इसमें भी बाद में ये इशू बनाया कि कपड़े तो खुद अपने समेट के नहीं रखता था, और खुद तो अपने कपड़े लेता नहीं था, क्योंकि मैं कपड़े अगर खुद अपना पहन रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से प्रॉब्लम, मैं अगर पहना हूँ कुछ तो वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझ पर वो भी प्रॉब्लम, तो मैं अलाउ करता था कि भाई कपड़े तुम ही दे दो मैं वही पहन लेता हूँ। इस बात पर भी काफी हमें सुनाया गया है ना। और फिर मुझे इन सब काम करने के बाद फिर खाना नहीं बनाएंगे तो नाश्ता लेके आना, या तो बाहर से या तो ऑर्डर बाहर से करना है, राइट। मैं खुद अच्छा खाना नहीं बना पाता हूँ, कोशिश की लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो दैट्स अ मूड पॉइंट। उसके बाद फिर मुझे अपने ऑफिस का काम करना है ना। उसके बीच में बच्चे का डायपर ये बीच नीचे फेंक देंगे, अब वो बच्चा थोड़ा जब बड़ा हुआ तो वो नीचे चलने लगता है अपने हाथ पैर पे, राइट, तो वो गंदगी में लौटेगा। वो डस्टबिन सामने रखा है लेकिन डस्टबिन में नहीं रखेंगे, तो मुझे वो जितनी बार भी वो नीचे फेंकेगी उतनी बार पोछा लगाना है और तब डस्टबिन में फेंकना है। अगर मैं कुछ बोल दूँ कि ये क्यों नहीं डस्टबिन में फेंक रही हो तो फिर से लगाई, है ना। तो ये डायनेमिक्स था। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम पता लिख कर रहे हैं घर का, हमें हाथ नहीं बटाते, और ये सब वाइफ ने कुछ कुछ बातें तो एक्सेप्ट भी किए कोर्ट में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये फर्स्ट कोरोना का हाल है ना। उसके बाद इनका चूंकि नौकरी चला गया तो एक अलग रोना धोना है ना। इनको अपने कजन से प्रतिस्पर्धा है कि वो अच्छा कर रहे हैं अपनी नौकरी में और मेरी नौकरी चली गई है ना। अब इनमें वो है और ये निगेटिव साइकिल रोज रोज का है। मैं बोला कि पढ़ाई करो, चूंकि मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करता हूँ, और मैं अपनी फील्ड में अच्छा ही नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे एज ग्रुप में दुनिया में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद मेरे लेवल ऑफ मेरा जितना अकाउंटेबिलिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कंपनी में है उतना मेरे एज में किसी को मिलता है जनरली। तो मैंने कहा कि, और पहले ये कस्टमर केयर का काम करती थी, मुझे झूठ बताया था नौकरी के पहले, शादी के पहले, कि क्या काम करती है। मुझे ऐसा दिखाया था कि ये लोग ये जो है एनालिस्ट हैं, लेकिन ये कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट, मतलब कस्टमर का कॉल आता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं है। तो मैंने इन्हें प्रोग्रामिंग करना सिखाया, है ना, आपको लग रहा होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस ये किए हैं तो इनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो प्रोग्रामिंग करना सिखाया इन्हें, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू किया, इन्हें इंटरव्यूज दिलाई इतनी सारी कंपनी में, इनका रिज्यूमे बनवाया, हर इंटरव्यू के बाद क्या क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना ये सिखाया। मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया जहां सेलेक्ट नहीं हुई, ऐसे कुछ नहीं नहीं भी तो 2 दर्जन कंपनियों में इनका सिलेक्शन हुआ, फिर एक साल बाद इनका ये एक्सेंचर कंपनी में सिलेक्शन हुआ अप्रैल 2021 में, और अप्रैल 2021 के अंत में इनका ज्वाइनिंग था, और ठीक उसके 18-19 दिन 18-19 दिन बाद चली गई ज्वाइनिंग के, वो पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड कोरोना में जब ये गई है तब उस समय उस टाइम पे एग्जैक्टली उस टाइम पे पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस बैंगलोर में थे, सबसे पूरी दुनिया में ज्यादा केसेस इंडिया में थे। ऐसे टाइम पे जब एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, सारी जगह पे हाहाकार मचा हुआ था, है ना, ऐसे टाइम पे ये गई है ना। तो अब हुआ ये कि सेकंड कोरोना जब शुरू हुआ तो लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया, तो इनकी माँ की का दुकान बंद हो गया वहां पे, और बोर रही थी वो घर पे, और उनको पैसे चाहिए थे। अब ये पैसे का जो मामला है ये एक पूरा पैरेलल थ्रेड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सारे प्रूफ कोर्ट में सबमिट किए हैं और मेरे परिवार के पास भी सारे प्रूफ रहेंगे, आप में से कोई भी चुकी है केस खत्म हो गया है तो ये एक्सेस कर सकता है, जान सकता है ना। तो मैं आपको डेट्स के साथ बताना चाहूंगा कि क्या क्या कब कब पैसे लिए हैं। तो इनके फादर के डेथ के कुछ महीनों बाद इनकी मदर एक्टिवेट हो गई और मेरी वाइफ ने प्रेशराइज करना शुरू किया मुझे पैसा देने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने 3 लाख रुपए मांगे मई 2020 में ही, है ना, और ये 3 लाख रुपए इसलिए बोल के मांगे कि, और जो मैंने इनके सिंघानिया ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में डाला है IDBI बैंक में, और फिर बाकी के कुछ पैसे अनुराग निशा सिंघानिया बंधन बैंक में डाला है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले 3 लाख मांगा इन्होंने ये बोल के कि मैं हम पहले ही परचेजिंग कर लेंगे विंटर के टाइम का मटेरियल, और फिर विंटर के टाइम पे हम उसे सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम में बेचेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा। मेरे वाइफ के प्रेशर डालने की वजह से मैंने 3 लाख रुपए दे दिए और मुझे लग रहा था कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने और पैसे मांगने शुरू किए, मैंने काफी टाइम तक पैसे अवॉइड किया कि अभी नहीं अभी नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि हमें फिर से अगले साल 2021 में मार्च में, कि अभी हमें फिर से सारा का सारा बरसात के सीजन का और विंटर के सीजन का परचेजिंग करना है, तो अभी हमें अगर पैसे दे दोगे तो प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने मुझसे समझ लो कुछ 15 लाख रुपए और मांगे, तो 18 लाख रुपए पहले के 3 लाख और 15 लाख बाद में मांगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मार्च में 9 लाख रुपए डाले इनको, है ना, और अप्रैल 2021 में 4 लाख रुपए डाले। तो अभी तक आप सोच सकते हो 9, 4, 13, 14, 16 लाख रुपए 17 अप्रैल 2021 तक मैंने दिए हैं। उसके बाद इनका कहना है कि हमें पहले 15 लाख मांग रहे थे, है ना, उसमें से 13 लाख दे दिए, है ना, अब इनका डिमांड अचानक से हो गया अप्रैल में कि हमें 50 लाख रुपए और चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि माल के लिए नहीं चाहिए, पहले अब चूंकि ये तबेले के पीछे के घर में रहते थे, है ना,
तो इनको इनके बेटे को शर्म आती थी, मेरी मदर मेरे ब्रदर इन लॉ को शर्म आती थी अनुराग सिंघानिया को और उस पीयूष सिंघानिया को। दिस इज रिमाइंडर ड्रिंक वाटर, दिस इज रिमाइंडर ड्रिंक वाटर। तो उसे शर्म आती थी। तो इनको सबसे पहले 1 करोड़ का तकरीबन का घर जौनपुर के सेंटर के इलाके में मेन मार्केट में ऐसा चाहिए जहां नीचे दुकान ऊपर घर हो सके, है ना। और भाई साहब इनके पास कितने पैसे हैं अपने, तो 10 लाख रुपए इनके पास है, 90 लाख रुपए दूसरों से चाहिए। मुझसे ऑलरेडी 13 लाख रुपए ले चुके हैं, 50 लाख रुपए और चाहिए, बाकी बोल रहे हैं खुद अरेंज करेंगे। मैंने इनको बताया कि भाई मैं तो पहले पैसे दूंगा नहीं, और अभी तक जो मेरे पैसे लिए हो तुम ये बोल के बिजनेस करेंगे वो पहले पहले से रिटर्न करो, क्योंकि जो तुम्हारा आइडिया है कि मैं 1 करोड़ का मकान खरीदूंगा, 10 लाख रुपए तुम अपनी दुकान से अपनी इनकम बता रहे हो। अब तुम 1 करोड़ का मकान खरीदोगे तो खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1 करोड़ का 10 लाख रुपए होता है तकरीबन, तुम तो आप कभी प्रिंसिपल अमाउंट चुका ही नहीं पाओगे। तो इनके अगेंस्ट इसका आर्ग्यूमेंट था कि भाई हम अभी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जब नई दुकान खुलेगी तो मेरा 50 लाख तक इनकम हो जाएगा। ये इनका स्पेकुलेशन है, और इसके स्पेकुलेशन के हिसाब से मैं इनको कितने 50 और ये 13 लाख ऑलरेडी 63 लाख रुपए मैं इनको दे रहा हूँ, है ना। तो ये प्लान है। अच्छा मैं बोला कि पहले तो 50 लाख रुपए दे नहीं रहा हूँ, मेरे बाकी के पैसे वापस करो। अब फिर इन्होंने बेटी ने माँ ने महाभारत शुरू, इन्होंने मेरे बोलने पे कि भाई पैसे वापस करो, इन्होंने 25/4 को 25 अप्रैल 2021 को इन्होंने 1.5 लाख रुपए वापस किए। उसके बाद मैं बोला बाकी के पैसे भी वापस करो, और 50 लाख रुपए तभी भी बोल रहे हैं कि दो दो, मैं बोलो नहीं दूंगा। अब ये जो 1.5 लाख वापस किए हैं उसके बाद ये बोले बाकी के पैसे जो निकिता अपनी नई कंपनी की जॉब से कमाएगी, है ना, उसके सैलरी से सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरी बीवी कमाएगी उससे, इनको जो मैंने उधार दिया है वो पैसा धीरे धीरे सदना शुरू होगा, और मैं जो बीवी का जो खर्चा है वो मैं चलाता रहूंगा ऑब्वियसली, है ना। ये इनका एक्सपेक्टेशन था। और इनका एक और एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं अपने मिसाले को जो अनुराग सिंघानिया है जिसको नालायक बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि उसको जौनपुर से तुम अपने पास बुला दो, यहाँ पे उसका क्लाउड किचन खुलवा दो। तो क्लाउड किचन खुलवा दो का मतलब ये जो जोमेटो और स्विगी से खाना जाता है उसका बिजनेस, इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, और यहाँ पे रह के वो बिजनेस चलाएगा और मैं उसका बिजनेस सेटअप करूंगा और मेरे यहाँ रहेगा। मैंने इन सारी चीजों के लिए मना किया है ना, और इस पर मेरी मदर इन लॉ को इन्होंने यहाँ बुला लिया था तब, है ना, ये भी बताना बहुत जरूरी। तो मेरी वाइफ ने तब एक नाटक किया, चूंकि वहां पे लॉकडाउन था तो बोर हो रही थी, पैसे भी चाहिए तो यहाँ बुला लिया, ये नाटक करके कि मुझे सांस नहीं आ रही उस पीक कोरोना में। अब हमने वो ऑक्सीमीटर लगा के देखा, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम डर गए भाई कि पीक कोरोना है, इतने लोग मर रहे हैं, कुछ हो ना जाए। इसका कोरोना टेस्ट कराया गया, मेरा कोरोना टेस्ट कराया, निगेटिव आ गया। उसके बाद इनका सीटी स्कैन करवाया चेस्ट का, जो उसके भैया ने बोला था जो डॉक्टर है वो कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। बट इन्होंने अपनी माँ को फिर भी बुला लिया उस पीक कोरोना में, हमारा एक छोटा बच्चा ध्यान रखेंगे पीक कोरोना, फिर भी इतने कोरोना में उसे बुलाया, यहाँ के रह रही है, और रोज ये 50 लाख रुपए के लिए मेरी बेटी का जो सैलरी है उसे सेट ऑफ करो, हमने पढ़ाया है बेटी को, हमारा हक है इसके पैसे पे। मेरी पत्नी भी बोल रही है कि नहीं ठीक बात है ना। मैंने इस पे यूजली प्रोटेस्ट किया ना, मैं उसके अपने साले को बुला के रखने के लिए तैयार था। तो मैं अपने पुराने पैसे वापस मांग रहा हूँ, मैं 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये सब प्रूफ है। मैं वाइफ की सैलरी से मेरा जो पुराना पैसा है वो सेट ऑफ करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने साले को बुला के यहाँ बिजनेस सेटअप और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, है ना, ये सब चल रहा है। 16 मई को, 17 मई को शायद ये गई है टिकट से हमारे पास, 16 मई को। अच्छा ये जो दवाइयाँ इसके भाई ने जो डॉक्टर है ना, ये सीटी स्कैन हो गया तो इसने बोला कि मिनरल्स विटामिन और ये वो विटामिन सी ऐसे बहुत सारी 14 तरह की दवाइयां उसने लिख के दे दी, ये प्रिकॉशन के लिए खाते रहो। मैं 3-4 दिन तक मेडिकल स्टोर भटक भटक के हजारों रुपए खर्च करके ये मेडिकल दवाइयां लाया हूँ। तो बैंगलोर में दवाइयों की स्कार्सिटी हुई थी, बेसिक विटामिन सी का टैबलेट नहीं मिल रहा था, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। तकरीबन कितने सारे मेडिकल स्टोर में जाके 3-4 दिन में वो इकट्ठी हुई सारी दवाइयां, उसके बाद वो दवाइयां नहीं खा रही है, जो किसके भाई ने बोला है, जो डॉक्टर भाई है, कजन भाई है, उसने बोला है कि खाओ, वो नहीं खा रही है ना। इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ, 6 दिन तक लगातार नहीं खाया, हमारा 16 तारीख को झगड़ा हुआ। उस समय उसकी माँ और ये बोल रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते, हम यहाँ अभी घर छोड़ के जा रहे हैं झगड़े पर, और पीक कोरोना है और बच्चे को लेके जाएंगे। मैं बोला कि बच्चा है अभी, इतना कोरोना में कहाँ जाओगी, यहाँ रह जाओ, जो भी है विल मैनेज, बट बोले कि हम अभी निकल के जा रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है रुको, आज भर रुक जाओ, मैं टिकट करा के दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा कैब करा के दे रहा हूँ, कैब वो प्रॉपरली ठीक से पार्टीशन होना चाहिए ड्राइवर और उसके बीच में, वैसा कैब करके दे रहा हूँ ताकि कोरोना ना हो। फिर मैंने कोरोना उसे वैसा कैब कराया है, टिकट कराया, अगले दिन सुबह में ये लोग सारा का सारा जितना सामान प्लेन में ले जा सकते हैं, जितना गोल्ड का आइटम है इंक्लूडिंग माई आइटम्स सब लेके गए, एक्सेप्ट जो एक अंगूठी मेरे हाथ में, सारे के सारे वो गोल्ड का सामान लेके गए, बच्चे को लेके गए। वहां जाने यहीं से मतलब 16 तारीख से ही मेरे माँ बाप को, मेरी पत्नी, मेरी मदर इन लॉ सुशील सिंघानिया जो मेरी वाइफ के अंकल हैं, और अनुराग सिंघानिया जो उसका भाई है, मेरे माँ बाप को मतलब फोन करके गालियां दे रहे हैं, हरास कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं।
मेरे फादर मदर को भी एक बार लग गया कि मैंने किया है ना, मुझे फोन करके डांट रहा है। मैंने फिर भाई से बात करवाया, तब जाके उनको पता चला कि मैं सही हूँ। मेरे रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया, ऐसी बातें फैला रही मेरे बारे में जैसे मुझे मिर्गी की बीमारी है, मैं सबके सामने इनको मारता हूँ, मैं अपनी माँ को मारता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें मेरे बारे में फैला रहे, मेरी माँ के बारे में फैला रहे हैं कुछ कुछ बातें, ऐसी ऐसी बातें, भद्दी बातें बोल रहे हैं जो कोई सोच नहीं सकता है ना। तो ये सब कर रहे हैं। तो जितने तरीके से एक आदमी उसकी फैमिली की बदनामी कर सकते हैं वो उन्होंने किया। उसके बाद इनका डिमांड ये है कि मैं अपने फादर मदर के साथ जौनपुर जाऊं। इनको पता है कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं कि झुकेगा जरूर। मेरे माँ बाप और मैं जाऊँ वहां पे, इनके सारे रिश्तेदारों को ही बुलाएंगे, उनके सामने माफी मांगूंगा, तब जाके अपनी बेटी और मेरे बेटे को है ना भेजेंगे मेरे साथ। इस बात पे मैं तैयार हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, क्योंकि माँ बाप के इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है, और अब तो मैं मानता हूँ अपनी इज्जत से भी बड़ा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं झुकना चाहिए, व्हाटएवर द प्राइस, आई एम रेडी टू पे द प्राइस नाउ। मैंने इनको ये बोला कि अगर हम आ गए तो जित तुम्हारे रिश्तेदार के सामने ये जितने पैसे वैसे मांगते हो ना सब बताएंगे है ना, फिर ये भिदक गए, फिर तो आने आओ भी मत है ना। मैंने बोला मेरे सारे पैसे वापस करो, नहीं तो हमारे पास सारे बैंक ट्रांजेक्शन है, हम पुलिस के पास जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी प्रूफ भेजेंगे तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ एक्सटॉर्शन पैसे का। फिर जाके इन्होंने मेरी वाइफ जो मेरे पास अपनी सैलरी इन्वेस्ट करती थी शुरू में, वो जो शुरू में पैसे उसने कमाए थे कुछ कुछ लाख रुपए, वो मेरे पोर्टफोलियो रिटर्न के बराबर उस पर इंटरेस्ट भी लेके थी, वो सारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट काट के है ना। और वो मेरे पास वो भी है व्हाट्सएप चैट भी जहाँ पर उसने अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट काटाया सब, वो सब काट वाट के फिर पैसे वापस किए है ना। उसने अपना अकाउंट नंबर दिया कि ये पैसे हैं अकाउंट में है ना, ओटीपी भेजती थी व्हाट्सएप पे, वो भी है मेरे पास। तो ये जज जो ओवर स्मार्ट बन गए, मैं उसके अकाउंट का फुल कंट्रोल रखता था करके, ओटीपी भेजिए तब मैंने पैसे निकाले, वो वहां से ओटीपी भेजिए, अपना पैसा सारा सारा लिक्विडेट करके, जो इन्वेस्टमेंट का सब लिक्विडेट करके मैंने वापस लिया सारा पैसा। उसके बाद लेकिन नया कहानी शुरू हो गया कि उसके बाद बच्चे से बात करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर ये लोग बैंगलोर आए कुछ महीनों बाद, फर्स्ट टाइम मैं महीनों बाद बैंगलोर के बाहर गया था घूमने के लिए, कोरोना 2 खत्म हुआ था तब थोड़ा थोड़ा, और मैं बैंगलोर के बाहर गया था घूमने के लिए, भगवान का शुक्रिया। उस दिन ये अपनी माँ के साथ, अपने एक दोस्त के साथ, और एक मेल दोस्त के साथ, एक फीमेल दोस्त के साथ आई, मैं नहीं था। पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया, मैं घूमने गया था, फिर मकान मालिक से फोन आया, मैं बोला मैं आता हूँ, उन्होंने मेरे घर के बाहर ताला मार के चले गए। फिर मैं अकेला होता तो पता नहीं उस पर क्या डाल देते, केस रेप केस और पता नहीं कुछ भी केस डाल देते, ये लोग मारपीट का केस कुछ डाल देते है ना, तो अच्छा था मैं नहीं था, बच गया। मैं अपनी अपनी माँ को बुलाया, कजन को बुलाया, फ्रेंड्स को बुलाया, सब लोग कैमरा लेके खड़े थे पुलिस के सामने, सब ताला खुला है, ये लोग आए हैं अपना सारा सामान लिए हैं, गालियां दी हैं मेरी माँ को। उसके बाद मेरी माँ को धक्का दिए फिजिकली, सारा सामान लेके साइन वाइन करके पुलिस के सामने गए। उसके बाद हम पुलिस के सामने बैठे रहे डट के कि हमारा मेरी माँ के साथ जो इन्होंने की बदतमीजी, उसके लिए ये करो फाइल करो FIR, FIR दर्ज नहीं किया लेकिन NCR दर्ज किया, FIR नहीं दर्ज किया फिर भी, वो NCR भी है हमारे पास। फिर सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट का कोशिश हुआ, लेकिन उनके जो डिमांड्स थे 1 करोड़ रुपए, बच्चे से नहीं मिलने देंगे, तो वो फेल हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट केसेस डाल दिए, वो तो आपको पता ही है। ये मेरी कहानी है, सारे किरदारों का हरासमेंट है। उतना ही नहीं, केस होने के बाद भी इसका भाई मुझे मैसेज कर करके हरास करता था, वो सारे व्हाट्सएप चैट्स में अननेसेसरली, मैंने इंस्टिगेट भी नहीं किया, नहीं इंस्टिगेटेड कुछ भी गलत गलत इल्जाम। दिस इज माई स्टोरी। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ, वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गिव मी अ सजेशन, सजेशन क्या दे दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड एंड आई थिंक दे आर राइट, दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे सजेस्टेड मी, सो आई एम गोना टेक माय लाइफ नाउ। आल्सो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं, तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है मेरी वाइफ में खुद, तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विद मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। तो
बूढ़ी बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे बाप माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलेंगे तो पब्लिक प्लेस पे मिले, बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वही कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है, और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है तो जरूर पकड़ा जाएगा, बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हूँ, तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाए गटर में कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं, इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा, इससे मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ, और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा, हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।